तो चलिए फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आप लोगों को फिर से एयर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नया लिस्ट जारी किया गया है 2021 का, कैसे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। एंड साथ ही मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसके बाद दिखलाते हैं आय का सारा प्रोसेस। तो चलिए हम अपने स्मार्टफोन के एक ब्राउज़र गूगल को ओपन करते हैं और इसके बाद दिखलाते हैं आय का प्रोसेस। तो चलिए हमारा यह गूगल ओपन हो गया। आप भी अपने स्मार्टफोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और यहाँ आपको टाइप करना है PMAYG.NIC.IN। इस तरह से आप टाइप कीजिएगा तो आपका न्यू इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होने लगेगा और उसके बाद यह वेबसाइट आपका ओपन हो गया। इस नोटिफिकेशन को आप कट कर दीजिए और उसके बाद लेकर चलते हैं हम डेस्कटॉप साइट पर और उसके बाद दिखलाते हैं आय का प्रोसेस। तो चलिए यहाँ से हम डेस्कटॉप साइट ओपन कर लिए अपना और इसके बाद कुछ इस तरह से आपका न्यू नोटिफिकेशन न्यू इंटरफेस ओपन होने लगेगा। चलिए हम ओपन होने देते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ जो दूसरे नंबर पर है आवास सॉफ्ट का ऑप्शन है, उस पर टैप करना है एंड इसके बाद कुछ इस तरह से आपका न्यू नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जिस प्रकार से आपका न्यू नोटिफिकेशन फिर से ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको कई कैटेगरी मिल जाएगा A B C D E F। तो आपको H में जाना है, देख सकते हैं H में जो है सोशल ऑडिट रिपोर्ट एंड इसमें जो पहला नंबर पर है बेनिफिशरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन, इस पर ही आपको जाना है। तो चलिए हम इस पर टैप करते हैं, एक नंबर पर बेनिफिशरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपका न्यू नोटिफिकेशन न्यू इंटरफेस ओपन होने लगेगा। तो चलिए हम ओपन होने देते हैं न्यू नोटिफिकेशन और इसके बाद दिखलाते हैं उसमें अब आगे क्या करना है आपको। तो चलिए हमारा यह ओपन हो रहा है, ओपन होने में कुछ समय लग रहा है तो चलिए ओपन होने देते हैं, उसके बाद दिखलाते हैं आय का प्रोसेस। तो चलिए कुछ इस प्रकार से यह ओपन हो गया। तो यहाँ आपको ऊपर में सेलेक्ट करना होगा आपका, सबसे पहले यहाँ राज्य सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से बिहार से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद नीचे में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम ज़िला भी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ से आपका अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा एंड इसके बाद जिस भी ईयर का आप देखना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम 2020 सेलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना वाला सबसे ऊपर में जो है एक योजना है वही सेलेक्ट करना है हमको। इसमें बहुत सारा योजना है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना वाला ही सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद यहाँ आपको कैप्चर फिल करना होगा। आप में बहुत सारा ढंग से आ सकता है इस कैप्चर को, तो आप कैप्चर को सॉल्व करके यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन जो है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपका यह ओपन हो गया, सारा लिस्ट यहाँ देख सकते हैं नीचे में। तो इसमें अभी आपको सिर्फ देखिए 14 दिखा रहा है, सिर्फ 14 को दिखा रहा है लिस्ट। तो कैसे आप पूरा देखना है हम आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं सिर्फ अभी सिर्फ 14 आदमी को यहाँ दिखा रहा है लिस्ट। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड PDF जो है रेड कलर से जो लिखा हुआ है डाउनलोड PDF उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देखिए यह PDF बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा अपना नाम चेक करने का, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट तरीका से दिया गया है सारा लिस्ट ABCD ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपको यहाँ नेम खोजने में बहुत ही आसानी होगा एंड इसको आप जितना चाहे उतना जूम करके देख सकते हैं, यह बहुत ही क्लियर एंड साफ PDF है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इस प्रकार PM आवास योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं अपना लिस्ट में नाम देखकर। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो इस चैनल पर हमेशा आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।